नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर पटना पहुंच चुके हैं, यानी पटना एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं और मीडिया ने उनसे कुछ सवाल भी किए। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा है कि जितने भी मंत्रालय मिले हैं बिहार को, सभी को झुंझुना थमा दिया गया है, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने हमला बोला कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इस पर जो है रामनाथ ठाकुर का बयान आ गया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाने का काम करेंगे। अभी कृषि विभाग का अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के बाद निश्चित रूप से बिहार के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, किसानों के आय के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए प्रयास होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार नहीं चलेगी, बैसाखी पर सरकार है। इसको लेकर के रामनाथ ठाकुर ने कहा कि समय आने दीजिए, चलती है अथवा नहीं चलती है ये सरकार, मुझे भरोसा है निश्चित रूप से 5 वर्षों तक सरकार चलेगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रामनाथ ठाकुर। निभाने का काम करेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ। अभी तो कृषि विभाग का अध्ययन कर रहा हूँ, अध्ययन के बाद निश्चित रूप से बिहार के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, किसानों की भलाई के लिए, बीज के लिए और खाद के लिए प्रयासरत रहूँगा। ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चलेगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बैसाखी पे है और ज़्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चलेगी। समय आने दीजिए, चलती है अथवा नहीं चलती है, मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से 5 वर्षों तक सरकार चलेगी। बिहार में लगातार कड़ाई पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? तो तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब भी रामनाथ ठाकुर ने दे दिया है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से भाजपा नवाज चुकी है और बीजेपी ने तगड़ा गेम खेला और जो है रामनाथ ठाकुर को मंत्रालय दे दिया, यानी कृषि राज्य मंत्री बना दिया है। अब कृषि में क्या कुछ वो कर पाते हैं बिहार में, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है और जिस तरीके से पिता को यानी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया और बेटे रामनाथ ठाकुर को मंत्रालय दे दिया गया है, यानी कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है, कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री। तो देखने वाली बात होगी कि बिहार के लिए क्या कुछ कर पाते हैं ये सारे जो मंत्रालय मिले हैं, जितने भी मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, साथ ही साथ मंत्री हैं कैबिनेट में, उन सभी के द्वारा क्या कुछ बिहार के लिए किया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।